अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्रा या हज एक मुसलमान की ज़िंदगी का वो रिसाइकल पीरियड होता है जो सारी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, और उम्रा के साथ जुड़ी हुई हर बात, हर ज़ियारत, चलने वाला हर कदम, हर खाना पीना और रहने वाला होटल उम्र भर याद रहता है। ये तो थी एक इमोशनल सी बात जो हर हाजी के साथ जुड़ी हुई होती है। इस वीडियो में मक्का के करीब कुछ होटल, उनके रूम टूर्स और प्राइस के हवाले से बात करेंगे, और साथ ही साथ ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि आया मक्का में ही हरम के करीब होटल लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और मोस्टली लोग मक्का के करीब होटल लेने को क्यों ज़्यादा तरजीह देते हैं, यानी हरम के पास होटल लेने को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि मदीना शहर की निस्बत मक्का का एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडी होता है, और कंस्ट्रक्शन जब से स्टार्ट हो गई है तो कंस्ट्रक्शन की वजह से एरिया इतने ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है कि छोटी छोटी और तंग गलियों में ढेर सारे होटल और खाने पीने की दुकानें हैं। क्योंकि मक्का में हम उम्रे की नियत से जाते हैं और उम्रे से पहले अहराम बांधना लाजमी होता है, तो अहराम की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग ये प्रेफरेंस देते हैं कि इतना ज़्यादा चला फिरा ना जाए, और ज़्यादा फैमिली साथ होने की वजह से भी इस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है कि बिल्कुल हरम के करीब होटल लिया जाए ताकि इस सारी मुश्किल से बचा जाए। और 90% उम्रा करने वाले यही कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो उम्रा से फ़ारिग हो जाएँ और बाद में जो है रेस्ट वगैरह किया जाए। क्योंकि अहराम की वजह से कुछ पाबंदियां हम पे लाजिम हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें भी एक हाजी के मद्देनज़र होती हैं। उम्रा की गर्ज़ से जब आप फैमिली के साथ मक्का तशरीफ़ ले जाते हैं तो आपकी यही कोशिश होती है कि बच्चे छोटे हैं या फैमिली साथ है तो इतना ज़्यादा दूर होटल ना लिया जाए और उम्रा से फ़ारिग होकर जल्दी से जल्दी अहराम उतारा जाए। और दूसरी रीज़न हरम के करीब होटल लेने की ये भी होती है कि काबा को बार बार देखने का मौका मिले और मताफ़ में या ग्राउंड फ्लोर पे काबा के सामने नमाज अदा करने का मौका मिले। अपनी इस ख्वाहिश की वजह से हम बार बार हरम का रुख करते हैं, और कुछ लोग तो जोहर या असर के टाइम वहाँ पे जाते हैं और इशा की नमाज से फारिग होकर ही वहाँ से निकलते हैं। लेकिन ये ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनके साथ बच्चे नहीं होते, तो जिनके साथ बच्चे होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि नज़दीक से नज़दीक जगह पर रुका जाए। काबे के सामने घंटों बैठकर अपने दिल का सारा बोझ हल्का करने से ही ऐसा लगता है कि वहाँ जाने का मकसद हमारा पूरा हो गया। अगर होटल नज़दीक होगा तो नमाज़ों के टाइम पर भी आसानी से पहुँचा जा सकता है और काबा को भी बार बार देखने की सआदत नसीब होती है। तीसरी रीज़न ये है कि जिसकी वजह से हम मक्का में नज़दीक तरीन होटल का इंतखाब करते हैं कि मक्का के होटल्स में स्टे कम होता है, क्योंकि हैं सब जो होते हैं हाजी वो उम्रा करने की नियत से ही जाते हैं, और उम्रा आपको पता है 2 से 3 घंटे में माशाल्लाह आसानी से हो जाता है अगर रश ना हो। तो फिर लोगों की यही कोशिश होती है, यानी हाजियों की यही कोशिश होती है कि मक्का के क्राउडी एरिया से फ़ौरन निकला जाए और मदीने की तरफ का रुख किया जाए और मदीना पहुँच कर ही उम्रे की थकावट दूर हो। और दिल को एक अजीब सा इत्मीनान महसूस होता है जब आप मदीना जाएं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ की फ़िज़ाओं में एक ऐसा सुकून है जो एक मुसलमान को अपने अंदर जैसे समोसा लेता है। इसीलिए मक्का में 1 या 2 दिन होटल में रहने की वजह से लोग ज़्यादा खर्चे को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और नज़दीक तरीन होटल पर थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा होता है लेकिन उसको भी बजट में करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं हरम के पास नज़दीक तरीन होटल्स कैसे हैं, उनके रूम टूर्स लेते हैं और उनकी प्राइस के हवाले से बात करते हैं, ताकि आपको एक डिटेल आइडिया हो जाए, आप जाने से पहले आपके माइंड में वो सारी बातें हों कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें किस तरह से सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम जिस होटल का रिव्यू करने जा रहे हैं वो इब्राहिम खलील रोड पर वाक़ है, और ये हरम से 750 मीटर के डिस्टेंस पर है। होटल बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, इकोनॉमिक है। पहले आप इस होटल का रिव्यू ले लें, होम टूर्स ले लें, फिर हम इस की प्राइस पे डिस्कशन करते हैं। ये होटल की लोकेशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल आगे खुला एरिया है, और ये इसका कार्ड है, अगर किसी को बुकिंग करवानी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। होटल के पास ही आपको शॉपिंग की ढेर सारी दुकानें मिल जाएंगी। और अब दूसरा जो होटल है वो भी इसके पास ही है, वो ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, लुलु अल फलाह के नाम से ये होटल है,
और जब मैंने इसका विज़िट किया या इसका विज़िट हमने किया तो ये पहले होटल से भी ज़्यादा अच्छा होटल था। अच्छा, पिछले होटल की प्राइस मैं बताती जाऊँ, वो 200 पर नाइट आपको उसका रूम अवेलेबल होगा। पहले आप दूसरे होटल के रूम्स टूर्स कर लें, फिर हम इसके हवाले से भी बात करते हैं। ये लुलुअल फ्ला का कार्ड है, इस पे नंबर मेंशन है, अगर किसी को बुकिंग करवानी है तो वो आराम से करवा सकता है। इसके साथ शॉपिंग की भी ढेर सारी दुकानें हैं और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी इंडियन खाना खाने के होटल हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो गए, आपको दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये बुफे आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आप इसका रिव्यू ले लें। और इसकी प्राइस मैं पर नाइट बताती चलूँ तो 250 से 280 के बीच में पर नाइट इसका रूम है। और विंडो से भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये हरम की बिल्डिंग के बिल्कुल पास है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़े से वीआईपी होटल की तरफ। ये बहुत बड़ा होटल है, वोको होटल के नाम से ये बुलाया जाता है और इसके तकरीबन 9 टावर्स बताए जाते हैं। आपने जिस टावर की तरफ एंटर करना है वो 1 या 2 टावर होगा, आपने वहाँ से एंट्रेंस लेनी है और वहाँ से ही आपकी बुकिंग होगी। ये आपको नाम मेंशन किया जा रहा है, इसके बोर्ड सिखाए जा रहे हैं, बहुत ही वीआईपी होटल है। इसकी मेन बात ये है कि इसकी बस शटल्स चलती हैं, हर टाइमिंग मेंशन है, बाहर आधा घंटा या पौना घंटा पहले नमाज से पहले ये जाते हैं और वहाँ से हाजियों को फारिग करवा के लाते हैं। अगर आप थोड़े से ज़्यादा दिन के लिए स्टे करने जा रहे हैं, वन वीक आपका स्टे है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगी कि आप इस होटल को तरजीह दें, क्योंकि इसमें वो सारी सहूलतें हैं जिसमें आपको घर जैसी फीलिंग्स आती हैं, आपको इतना फील नहीं होता कि आप जो है बाहर आए हुए हैं, आपको खाने की टेंशन नहीं होती। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब आपने हरम जाना है तो इनकी बस सर्विस चलती रहती हैं, 24 घंटे चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हरम आने जाने का भी कोई मसला नहीं है। आप इस होटल का डिटेल में टूर्स ले लें, फिर हम इसकी प्राइस मेंशन करते हैं। ये आपको दिखाती चलूँ कि ये बस की टाइमिंग्स उन्होंने बाहर ही बोर्ड लगाया हुआ है कि किस किस टाइम पे बस अवेलेबल होती है। और ये देखें 5:45 बिफोर प्रेयर ये लोग चलते हैं और वहाँ से हाजियों को वापस लेके भी आते हैं। मकसद हमारा हरम तक जाना होता है, चाहे हम पैदल चल के जाएँ या बस सर्विस के जाएँ। सर्विस इसलिए चलती है कि ये थोड़ा सा हरम के इतने नज़दीक नहीं है, लेकिन इनकी सहूलतों की वजह से मैंने एक दिन में इनकी बहुत ज़्यादा बुकिंग होते हुए देखी, तो मैंने सोचा कि अपनी वीडियो में इसको भी शेयर करती हूँ।
एक चीज़ इस होटल के बारे में मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी आपके नॉलेज के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये थोड़ा अमेरिकन होटल है, ये कुछ लोगों ने अमेरिकन चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको नॉलेज देना मुनासिब समझा। कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें स्टे करना चाहते हैं या नहीं। खैर, इस टॉपिक पे बात करना एक दूसरे कंटेंट की तरफ चला जाता है। एनीवेज, आप इसका रूम टूर्स का व्यू लें। आपको विंडो से हरम का क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा, यानी ये इतना भी दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वीआईपी होटल होने की वजह से इनकी बस सर्विसेज भी चलती हैं, जिसकी वजह से हरम तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर इसकी प्राइस पे बात करें तो ये बेड के हिसाब से आपको 300 से लेके 350 के राउंड अबाउट तक पड़ जाएगा। वो आपकी बेड के जो स्पेस है उसके हवाले से ये प्राइस मेंशन होगी। जब भी आप बुकिंग करवाने से पहले वो आपको प्राइस बता देंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जितने बेड का ले रहे हैं उस हवाले से प्राइस आपको बता दी जाएगी। साथ साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन भी देती चलूं कि हरम के साथ ही जो 5-स्टार होटल हैं, जैसे कि क्लॉक टावर के नीचे वाले होटल्स हो गए या उनकी बिल्कुल बिल्डिंग साथ साथ हैं, उसमें आपको 500 से अबव की पर नाइट मिलेगी। उस तरफ तो अभी मैं नहीं जा रही, लेकिन इसी इब्राहिम खलील रोड की तरफ ही 3 और 4 स्टार होटल का विज़िट ज़रूर करवाऊँगी। इनमें से एक होटल है अल हरम के नाम से होटल है। इसकी लोकेशन भी बिल्कुल करीब है, या बिल्डिंग देख सकते हैं, और ये अंदर से भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपको वीआईपी लुक ही आएगी। चलिए अंदर देखते हैं और इसका विज़िट करते हैं, और आपको कार्ड भी मैं शेयर करती हूँ ताकि आप आसानी से इसकी भी बुकिंग करवा सकें। और जब आप बुकिंग करवाते हैं, बुकिंग से पहले जब आप फ़ोन करेंगे तो आप उनसे उस टाइम की सारी अपडेट भी आसानी से ले सकते हैं। अगर इसके पर नाइट की बात करेंगे तो इसका किराया 300 से लेके 350 के दरमियान 4 बेडरूम का आपको रूम मिलेगा। फिर वही बात आ जाती है कि रमज़ान में इनके प्राइसेस और होती हैं, रमज़ान में ट्रिपल, हर होटल की ट्रिपल प्राइस होती है। वो वही बात है कि बुकिंग से पहले आपको सारी अपडेट जो चल रही होती है वो आपको पता चल जाएगी। अब अगर हम गलियों में, ये जैसे छोटी छोटी गलियाँ हैं हरम के पास, इनके आगे ऊंचाई है, चढ़ाई पे बात करें होटल्स की, तो वो आपको 200 से 250 के बीच में मिल जाएंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इतनी चढ़ाई, अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं या फैमिलीज़ हैं तो उनको साथ लेके चढ़ना, और आप ख़ुद भी आराम की हालत में होते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलें जी, हम दूसरे होटल की बात करते हैं। इस होटल की बिल्डिंग देख लें, ये तारा अल खलील होटल के नाम से ये होटल है। इसका भी अंदर से रिव्यू लेते हैं, ये किस तरह का होटल है। ये देखें, कोई चेकआउट कर रहा है, आई थिंक मलेशियन फैमिली है, और वो यहाँ से चेकआउट कर रही है, और ये इनका कार्ड है, तारा अल खलील होटल है। ये सारा उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। और अगर हम इसकी प्राइस पूछें तो इनकी प्राइस जो है 200 से 250 रियाल के लगभग इनकी प्राइस है। फिर आगे की बिल्डिंग भी मैं आपको दिखा रही हूँ।
पूरी एक अच्छी खासी मार्केट है, हर तरह की इसमें शॉप है। आपको पाकिस्तानी होटल पास से ही मिल जाएंगे और बहुत अच्छे हैं। यहाँ इवन के साथ ही एक गुजरांवाला का होटल भी था, पाकिस्तान के वाले से मैं बात कर रही हूँ, वो भी बहुत मशहूर होटल है यहाँ का। और यहाँ पे आपको रात के वक्त भी चहल पहल हमेशा नज़र आती रहेगी। ये थी मेरी छोटी सी कोशिश, हरम मक्का में नज़दीक तीन होटल आपको आसानी से कहाँ पे मिल सकते हैं और इकोनॉमिक भी हैं, जैसे इतने महंगे भी नहीं हैं। हम फाइव स्टार होटल की तरफ नहीं गए, हमने थ्री और फोर स्टार को ही कवर करने की कोशिश की है। और मेरी पिछली वीडियो जो मदीना में नज़दीक तीन होटल के हवाले से थी, और उसमें जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे कि बच्चों के साथ मदीना में जब होटल सेलेक्ट करते हैं तो किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि मदीना में स्टे कुछ हमारा नस्बता मक्का की नस्बत ज़्यादा होता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चों की सेहत अफेक्ट ना हो, उसका लिंक लास्ट में वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी और इवन आप भी अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होटल को एक्सप्लोर किया जाए, फाइव स्टार होटल की तरफ जाया जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मशवरा मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।